सांस मिले फिर मुझको। किसी शायर। सो हे गाइस, गाइस हम वापस आ चुके हैं। आप चल गए इंस्टाग्राम रील्स की एक और वायरल वीडियो एडिटिंग लेके। अभी इस टाइम इंस्टाग्राम रील्स पे कुछ इस तरह की वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। इसमें एक म्यूजिक प्ले होता है, कुछ चैट बॉक्स आता है, आपको बोला जाता है कि प्लीज चेक माय स्टोरी, और फिर उसके बाद कुछ आपकी फोटोज आती है एक म्यूजिक के साथ। आप देख सकते हो कुछ इस तरह की वीडियो काफी ज्यादा इंस्टाग्राम पे वायरल हो रही है। आज हम इसी तरह की वीडियो की एडिटिंग देखने वाले हैं कि आप इस तरह की वीडियो कैसे एडिट कर सकते हो। कल इस तरह की वीडियो एडिट करना बहुत ही ईजी है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, इस वीडियो को पूरा देखना होगा, उसके बाद आप सीख जाओगे। गाइस इस वीडियो को एडिट करने के लिए आपको क्या लगने वाला है मैं यहाँ पर बता देता हूँ। गाइस आपको यहाँ पर VN वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन लगने वाला है, उसको आप इंस्टॉल कर लेना अगर नहीं है इंस्टॉल। तो गाइस आपकी कुछ 2 से 3 फोटोज लगने वाली हैं, हाँ इस तरह की वीडियो एडिट करने के लिए 2 से 3 आप अपनी फोटोज ले लेना। और फोटोज लेने का कुछ इस तरह का चैट बॉक्स वाला एक वीडियो चाहिए होगा। गाइस इस वीडियो को वैसे तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया, तो आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो, आपको उसको एडिट वगैरह करने की मेहनत नहीं करनी होगी। सो बिना देर करें हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं आप कुछ इस तरह की वायरल वीडियो एडिटिंग कैसे बना सकते हो, वायरल वीडियो कैसे बना सकते हो। सो हे गाइस, मैं सम, आप देख रहे हो टेक्निकल समता, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो अब हम आ जाते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और देख लेते हैं कुछ इस तरह का वीडियो आप कैसे बना सकते हो। सो गाइस हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। गाइस वीडियो एडिटिंग करने के लिए हमको VN वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है। सो हम VN वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। गाइस आप देख सकते हो हमारे सामने VN वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। अब गाइस हम नीचे तरफ ये प्लस का आइकन दिख रहा है, इस प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। गाइस जब हम प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट आएगा, न्यू प्रोजेक्ट पर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। गाइस न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। गाइस जैसे कि मैंने कहा कि इस वीडियो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, इस वीडियो को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया। सो गाइस सेलेक्ट करने के बाद हम इस एरो पर क्लिक करेंगे, तो हम जैसे ही इस एरो पर क्लिक करेंगे, सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो वीडियो है वो सिलेक्ट हो चुका है, आप देख सकते हो। अब गाइस यहाँ पर एक दो चीज मिसिंग है, तो हम फटाफट से पहले वीडियो में एडिटिंग कर लेते हैं फिर वीडियो बनाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो प्रोफाइल फोटो है वो मिसिंग है, और यहाँ पर जो चैट का नेम है, जो जिससे भी आप चैट कर रहे हो उसका नेम मिसिंग है, सो हम फटाफट से उस चीज को ऐड कर लेंगे। सो गाइस सबसे पहले हम प्रोफाइल फोटो को ऐड करेंगे। सो प्रोफाइल फोटो को ऐड करने के लिए हम यहां पर क्लिक करेंगे टैप टू ऐड स्टिकर एंड PIP, तो हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर 2 ऑप्शन आएंगे, स्टिकर्स और यहां पर फोटो और वीडियो, वीडियो और फोटो। तो गाइस हम यहां पर वीडियो और फोटो पर क्लिक कर देंगे। वीडियो और फोटो पर क्लिक करने का हम फटाफट से उस फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं जिस फोटो को हम प्रोफाइल पिक बनाने वाले हैं। सो चाहिए हम इस फोटो को प्रोफाइल पिक बनाने वाले हैं, तो इस पर क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप देख सकते हो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब गाइस सिलेक्ट करने का इसको हम हैंडों से ऐसे ऐसे करके और इसको ना छोटा सा कर लेंगे, और फोटो को छोटा करने के बाद ऐसे ऊपर तरफ ले जाएंगे और इस जगह जाके ऐसे बिल्कुल सही से इसको फिट करेंगे। सो चाहिए आप देख सकते हो, देख सकते हो। सो गाइस आप देख सकते हो हमारी जो फोटो है वो बिल्कुल सही से फिट हो चुकी है। अब गाइस हम नीचे तरफ आएंगे, और नीचे तरफ आने के बाद यहाँ पे हम मास्क पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम मास्क पर क्लिक करेंगे, सो गाइस हम यहाँ पे लास्ट वाला मास्क सिलेक्ट करेंगे, सर्कल वाला मास्क, तो आप देख सकते हो। अब गाइस हम यहाँ पे हैंड से धीरे धीरे करके इस मास्क को बढ़ाएंगे। मास्क को जैसे ही बढ़ाएंगे वैसे ही आप देख सकते हो हमारी जो फोटो है वो बहुत अच्छी तरीके से और प्रोफाइल फोटो की तरह सेट हो चुकी है। अब इधर हम राइट के आइकन पर क्लिक कर देंगे। राइट के आइकन पर क्लिक करने का आप देख सकते हो हमारी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो बहुत अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है। आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर या अपने दोस्त जिसका भी वीडियो बना रहे हो उसके लिए इस तरह से सेट कर सकते हो। अब सेट करने का आपको इधर तरफ इसको थोड़ा इसकी लेंथ को बढ़ाना है। गाइस इसकी लेंथ को आपको वहाँ तक बढ़ाना है जहाँ तक आपका वीडियो एंड हो रहा है। सो हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारा वीडियो कहाँ पर एंड हो रहा है। सो हम यहाँ पर आते हैं, सो आप देख सकते हो हमारा जो वीडियो वो इस जगह पर एंड हो रहा है, तो हम यहाँ पर इसको स्प्लिट कर देंगे। तो हम यहाँ पर स्प्लिट पर क्लिक करके इस फोटो को स्प्लिट करके और यहाँ से इस जो फालतू लेयर है उसको डिलीट कर देंगे। सो गाइस आप देख सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पर प्ले करता हूँ, सो आप देख सकते हो बिल्कुल सही यहाँ पर जैसे ही हमारा वीडियो एंड हो रहा है वैसे ही फोटो भी गायब हो जा रही है। सो गाइस अब हम यहाँ पर ऊपर तरफ नेम ऐड करेंगे। नेम ऐड करने के लिए यहाँ पर लिखा रहा है टैप टू ऐड सबटाइटल्स, तो हम यहाँ पर टैप टू ऐड सबटाइटल्स पर क्लिक करेंगे। अब गाइस हम यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पर, टेक्स्ट पर ऑप्शन पर क्लिक करने का फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने का अब यहाँ पर आप कोई भी अपना नेम दे सकते हो जो भी आप चाहो। तो जैसे कि मैं यहाँ पर देता हूँ कुछ इस तरह के एरोज लगाता हूँ 2-3, और लगाने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
माई और फिर यहाँ पे लिख देता हूँ लव। सो फटाफट से मैं लिख देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मैं एक दो इमोजी भी लगा देता हूँ, ऐसे मैं ए वाला इमोजी लगा देता हूँ। इमोजी लगाने का एक दो फिर से ऐसे करके इसको ये दे देता हूँ। और फिर देने का हम यहाँ पर राइट के आइकन पर क्लिक कर देते हैं। राइट के आइकन पर क्लिक करने का इसको भी हम हैंड से जूम करके और ऊपर सही से फिट कर लेते हैं। सो जैसे ही आप देख सकते हो हम सही से इसको फिट कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पर हमारा जो नेम है वो भी सही से फिट हो चुका है। अब हम नेम को भी सेम आगे तक बढ़ाएंगे और यहाँ पर आके इस जगह आके और नेम को भी सेम हम यहाँ पर स्प्लिट कर देंगे, काट देंगे। और कट करने का ये जो फालतू लेयर है इसको डिलीट कर देंगे। सो गाइस आप देख सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हो जो हमारा नेम और जो हमारी फ़ोटो है वो बहुत अच्छी तरीके से आ रही है। गाइस आप नेम में चाहो तो यहाँ पर एडिट करके कुछ अपने मन के ए पर क्लिक करके फॉन्ट वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हो, फॉर योर चॉइस, जैसा आपको अच्छा लगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पर ए वाला फॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपको जैसा फॉन्ट अच्छा लगे ऐसे ही मैं ए वाला कर लेता हूँ। और यहाँ पर आप राइट के आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा और साइज वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हो। सो गाइस यहाँ पर हमारी इतनी एडिटिंग कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर जो लोडिंग फिल्टर आ रहा है इसको आने देते हैं। अब हम फालतू की जो पीछे तरफ वी एन वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन में एक लेयर आती है, उस लेयर पर क्लिक करके उस लेयर को डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम अपनी 4 फोटोज़ को ऐड कर लेते हैं। पहले 4 फोटोज़ को ऐड कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पर म्यूजिक को ऐड करेंगे। सो फोटोज़ को ऐड करने के लिए हम यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर वीडियो और फोटो पर क्लिक करेंगे। सो गाइस अब हम यहाँ पर अपनी 4 फोटोज़ को ऐड कर लेंगे, जो भी आपको फोटोज़ अच्छी लगे उन सभी को। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर 4 फोटोज़ को सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने का इस एरो पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस एरो पर क्लिक करूँगा, सो गाइस आप देख सकते हो हमारी 4 फोटोज़ सिलेक्ट हो चुके हैं। अब फोटो सिलेक्ट करने का हम फर्स्ट यहाँ पर म्यूजिक को ऐड करेंगे। म्यूजिक को ऐड करने के बाद फिर इसमें जो लिखा हुआ आता है उस टेक्स्ट को ऐड करेंगे। गाइस मैं यहाँ पर किसी और एप्लीकेशन का यूज़ बिल्कुल नहीं करूँगा, सभी एडिटिंग आपको वी एन वीडियो एप्लीकेशन से ही करके दिखाऊँगा। सो गाइस म्यूजिक ऐड करने के लिए यहाँ पर टैप टू ऐड म्यूजिक पर क्लिक करेंगे। टैप टू ऐड म्यूजिक पर क्लिक करने का यहाँ पर हम म्यूजिक्स पर क्लिक करेंगे, सॉरी म्यूजिक्स पर नहीं, म्यूजिक पर क्लिक करेंगे। सो गाइज आप देख सकते हो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। अब गाइज सॉन्ग ऐड करने के लिए हम यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पर क्लिक कर देंगे। गाइज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पर हमने इसलिए क्लिक किया क्योंकि जो हम साउंड ऐड करने वाले हैं वो हम वीडियो से ऐड करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास वीडियो है। मैंने अपने टेलीग्राम पर वीडियो और साउंड दोनों ही अपलोड कर दिया है। आपको जो भी अच्छा लगे वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल से जाकर। सो गाइज हम यहाँ पर वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे और वीडियो को सिलेक्ट करने का हमसे यहाँ पर फाइल में एक नेम देने को बोलेगा। तो हम यहां से कट कर लेते हैं यहां पर, और यहां पर कुछ भी नेम दे देते हैं। मैं हम यहां पर इस फाइल को हम लव नेम दे देते हैं। लव नेम देने के आप देख सकते हो यहां पर ओके के आइकन पर हम क्लिक करेंगे। ओके के आइकन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेसिंग लेने का यहां पर जो सॉन्ग है वो आ जाएगा, आप देख सकते हो। अब हम यहां पर चूज सॉन्ग पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम चूज सॉन्ग पर क्लिक करेंगे, सो गाइस आप देख सकते हो हमारा जो सॉन्ग है वो आ चुका है। अब हम यहाँ राइट के आइकन पर क्लिक कर देंगे। राइट के आइकन पर क्लिक करने का अब हम देखेंगे कि हमारा जो सॉन्ग है वो यहाँ पर एंड हो रहा है। सो हम थोड़ी थोड़ी जो अपनी फोटोज हैं उनको थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेंगे। जैसे कि हम इस फोटो को भी थोड़ा थोड़ा सा हम अपनी फोटोज़ की लेंथ को थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेते हैं, जिससे जो हमारा सॉन्ग है वो प्रॉपर आ जाए। सो गाइस आप देख सकते हो हमने यहाँ पर अपनी जो फोटोज़ हैं उनकी लेंथ बढ़ा दी है, और जो हमारा लास्ट में जो साउंड है अब वो यहाँ पर आके ख़त्म हो जाता है 29 सेकंड को। सो गाइस अभी जो फोटोज़ हैं उसको साउंड के हिसाब से हम बाद में सेट करेंगे, पहले हम यहाँ पर एक टैक्स को ऐड कर लेते हैं। सो गाइस आप देख सकते हो टैक्स ऐड करने से पहले हम फटाफट से एक एनिमेशन ऐड कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर आएगा यहाँ के बाद। आप देख सकते हो जब हम वीडियो प्ले करेंगे तो यहाँ पर एक एनिमेशन आएगा। सो गाइस एनिमेशन ऐड करने के लिए हम यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ब्लैक वाले एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने का इसकी जो लेंथ है उसको अपने हिसाब से रख लेंगे, जैसा आपको सही लगा है। तो यहाँ पर मैं 0.75 सेकंड रख लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर प्ले करूँगा तो कुछ इस तरह का हमारी थोड़ा सा ब्लर्ड होगा, फिर इस तरह से फोटो आएगी। तो ऐसे ही हम सभी फोटोज़ में सेम ऐसा ही कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सभी फोटोज़ में सेम शेड्यूल का रख लेता हूँ। सो आप देख सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पर सभी में सेम रख देता हूँ। देख लीजिए, आप देख लीजिए मैंने यहाँ पर सभी फोटोज़ में सेम रख दिया है। सो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का हमारा एनिमेशन लग गया है। पहले फोटो थोड़ा सा ब्लैक होगा, फिर इस तरह से निकल के आएगा। सो अब हम यहाँ पर टैक्स ऐड करेंगे। गाइस टैक्स ऐड करने के लिए हम यहाँ पर जो टैक्स वाली लाइन है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे, टैक्स पर क्लिक करेंगे। टैक्स पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे, और लेयर को सिलेक्ट करने के बाद
सो गाइस लेयर को सिलेक्ट करने का मैंने यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो लिख दिया है, जो भी म्यूजिक का डायलॉग है उस म्यूजिक के डायलॉग को आपको लिखना होता है, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं यहाँ पे एक फॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो गाइस मैं यहाँ पे फॉन्ट को थोड़ा डिजाइनर सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। और फॉन्ट सिलेक्ट करने का मैं इधर कलर के आइकन पर क्लिक करता हूँ। गाइस कलर के आइकन पर क्लिक करने का यहाँ पर आपको बैकग्राउंड पर क्लिक करना है, बैकग्राउंड पर क्लिक करके बैकग्राउंड को ब्लैक करना है, और ब्लैक बैकग्राउंड करने का जो ऑपेसिटी है उसको थोड़ा कम कर लेना है। गाइस कम आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जैसे ही मैं इतना करता हूँ। और यहाँ पर जो रिड्यूस है इसको थोड़ा सा आप बढ़ा देंगे। रिड्यूस बढ़ाने से क्या होगा कि इस रिड्यूस को बढ़ाने से जो हमारे टेक्स्ट के कोने हैं वो थोड़े से राउंड हो जाएंगे, थोड़े से गोल से हो जाएंगे, एजेस थोड़े गोल हो जाएंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पर बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर राइट के आइकन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर राइट के आइकन पर क्लिक करने का इस टेक्स्ट को थोड़ा सा उठाता हूँ मैं और इधर तरफ ले आता हूँ। तो जैसे यहाँ से इस इधर से हटा लेता हूँ, तो जैसे कि मैं यहाँ पर ले आता हूँ जहाँ से हमारी फ़ोटो स्टार्ट हो रही है। सो आप देख सकते हो, अब हम इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इस टेक्स्ट को हम जैसे ही बड़ा कर लेंगे तो हम इसको इस जगह पर फिट कर देंगे। सो गाइस आप देख सकते हो, अब जैसे ही हमारा वीडियो प्ले होगा यहाँ से, तो आप देख सकते हो कितना अच्छी तरीके से हमारा लिखा आ गया किसी शायर की गज़ल। और यहाँ पर इमोजी भी मैंने लगा दिए हैं टेक्स्ट में। अब इस टेक्स्ट को बिल्कुल हम फोटो के एंड तक कर लेंगे जहाँ पर ये हमारी फ़ोटो एंड हो रही है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर कर लेते हैं। सो हमारी फोटो यहाँ पर एंड हो रही है। सो यहाँ पर अब हम यहाँ पर इस लेयर को एक बार यहाँ पर डुप्लीकेट पर क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेंगे, और डुप्लीकेट करने का थोड़ा आगे तक बढ़ा लेंगे। और आगे तक बढ़ाने के बाद इस लेयर को इस फोटो के यहाँ तक हटा देंगे, स्प्रिट कर देंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, अब आप देखना, अब हम यहाँ से जब इस लेयर को यहाँ से शुरू करेंगे तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से आ रहा है। अब हम यहाँ का जो टेक्स्ट है उसको भी रिप्लेस कर देते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हो, हमने जो यहाँ का टेक्स्ट था उसे रिप्लेस कर दिया। सो गाइस आप देख सकते हो, जैसे कि आपने देखा, जैसे कि हमने ये वाला टेक्स्ट भी लिख दिया। अब हम इसको बिल्कुल फिट कर देंगे फोटो के हिसाब से। अब फोटो के हिसाब से फिट करने का अब हम यहाँ पर प्ले कर लेंगे। सो आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से हमारा जो डायलॉग्स हैं वो लिखे हुए आ रहे हैं। अब हम सेम यहाँ पर भी इसको स्प्रिट कर देंगे, यहाँ पर इस पर क्लिक करके, यहाँ पर क्लिक करने का इस जगह का हम जो डायलॉग है उसको चेंज कर देंगे। जैसे कि हम यहाँ पर इसको कट कर देते हैं। सो गाइस आप देख सकते हो हमने लिख लिया है यहाँ पर, या कोई मुझे यूं मिला है करके जो भी डायलॉग आ रहा है सॉन्ग में, उस डायलॉग्स को आपको यहाँ पर लिख देना है बिल्कुल सही तरह से। मैं यहाँ पर इसको भी फिट कर देता हूँ। अब आप ज़रा थोड़ा यहाँ से देखिए, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, ए लिखा हुआ आया। अब आप देखिए देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। अभी गाइज इसको जो सॉन्ग के साथ है उसके साथ आपको मिक्स करना है। गाइज सॉन्ग के साथ मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ, साथ के साथ आपको बिल्कुल सॉन्ग के साथ मिक्स करना है। जहाँ पर हमारा सॉन्ग शुरू हो रहा है वहीं पर आपको मिक्स करना है। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर बिल्कुल टेक्स्ट को सही से मिला लिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा साउंड सुना देता हूँ, जैसे कि यहाँ से सुनाता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो बिल्कुल सही से हमारे टेक्स्ट और उसको सही से पेयर कर लिया है, टेक्स्ट के साथ और म्यूजिक को बिल्कुल सही से पेयर कर लिया। अब गाइस जो लास्ट की लेयर है वो यहाँ पर म्यूजिक से थोड़ी सी फालतू होगी, तो आप यहाँ पर इसको खींच के और बिल्कुल म्यूजिक के साइज की ले आए। और म्यूजिक के साइज लेने के बाद हमारा जो वीडियो है वो बन के तैयार हो चुका है। सो गाइस यहाँ पे जो हमारा वीडियो है वो बनके तैयार हो चुका है। आप चाहो तो कुछ एनिमेशंस वगैरह भी डाल सकते हो फोटोज़ में, यहाँ पर फिल्टर पे क्लिक करके, और कुछ अपने मनपसंद के फिल्टर वगैरह डाल सकते हो फोटो में। जैसे कि आप देख सकते हो थोड़ा फोटोज़ थोड़ी आपकी बाउंस वगैरह करें, थोड़ा ऐसे ऊपर की तरफ से आए, आपको अगर पसंद है तो आप डाल सकते हो। लेकिन मुझे ऐसे ही मेरा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो इसलिए मैं कुछ नहीं डालूंगा। अब मैं यहाँ पर ऊपर एक्सपोर्ट पर क्लिक करके और यहाँ पर इसकी क्वालिटी वगैरह सेलेक्ट करके उसको सेव कर लेता। सो गाइस आप सभी ने देखा, आप सभी इस तरह का वीडियो इस तरह से बड़े आराम से इजीली बना सकते हो। गाइस मैंने आप सभी को बता दिया कि आप इस तरह की वीडियो भी कैसे बना सकते हो चैट बॉक्स वाली। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो को अपलोड कर दिया है, टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चाहो तो आप टेलीग्राम पर भी जाके टेक्निकल शिवम प्रताप सर्च कर सकते हो, आपको फर्स्ट में मेरा ही चैनल देखने को मिल जाएगा। और चैनल को ज्वाइन करके और इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, अगर मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ऐसे ही इंस्टाग्राम से रिलेटेड वायरल वीडियो एडिटिंग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना। सो थैंक्स वॉचिंग गाइज।